सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो फीडिंग से रिलेटेड आता है कि उन्हें क्या दिया जाए खाने में। तो पपीज के लिए सबसे बेस्ट रहता है जो पपी मिल्क आता है, एक दिन में 5 to 6 टाइम फीड कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी जरूर ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पपीज में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने की सबसे मेन कारण ये होता है कि ओनर्स को पता नहीं होता उनको क्या चीज़ फीड करनी है क्या चीज़ नहीं करना है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की ऐसी दिक्कत आती है नियर बाई क्लिनिक ले जाना होगा पपी को। मेरे से मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं, डॉग को फर्स्ट बात कौन सी एज में दी जाए? डॉग को आप 3 to 4 मंथ्स पे आप फर्स्ट बात दे सकते हैं, और साथ ही साथ अभी जैसे मौसम चेंज होता है विंटर्स या समर्स कंडीशंस में, आप मैनेजमेंट थोड़ा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कर दिया करिए। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो इनका बॉडी टेम्परेचर है। छोटे पपीज़ अपना बॉडी टेम्परेचर इतना ईजिली मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। विंटर्स की बात करें तो आप जो पपीज़ को है थोड़ा से वार्म इन्वायरमेंट में रखें, थोड़ा गर्म रखें। ग्रूमिंग एंड कॉम्बिंग से रिलेटेड मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ग्रूमिंग आप टाइम टू टाइम करते रहिए। ग्रूमिंग करने का फ़ायदा ये रहता है कि टिक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो पपी है वो मिट्टी या कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट खा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे मेन कारण डेफिशिएंसी जिसे हम पाइका भी कहते हैं। तो डेफिशिएंसी के कारण ये कई बार जो पपीज़ हैं वो मिट्टी खाना शुरू करते हैं। इन्हें फॉस्फोरस जो मिनरल होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम और फॉस्फोरस सिरप्स आते हैं, आप वो अपने पपी को दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ डिवॉर्मिंग कराना भी ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग पपीज़ की हम फर्स्ट डिवॉर्मिंग 14 डेज ऑफ एज में करते हैं, देन इसको 14 डेज के बाद फिर से हमें रिपीट करना होता है। डिवॉर्मिंग शेड्यूल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि 14 डे ऑफ एज पे फर्स्ट डिवॉर्मिंग होगी, देन 14 डेज के बाद रिपीट होगी, फिर उसके बाद अप टू 3 मंथ एक एक महीने के गैप में डिवॉर्म करना होगा, देन 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में, देन 3 महीने से लेके 6 मंथ की एज तक आपको 3 मंथ्स के गैप में डिवॉर्म करना होगा, एंड देन ईयरली आप ट्वाइस इन ईयर आप कर सकते हैं। पपीज में वैक्सीन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अहमियत होती है। वैक्सीनेशन में पार्वो एंड कैनाइन डिस्टेंपर की आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अब ये जो 6-in-1 वैक्सीन्स आती हैं वो 2 मंथ्स ऑफ एज में स्टार्ट करनी होती हैं, एंड देन इनका बूस्टर्स लगता है। फिर कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये 6-in-1 लगाया है देन रेबीज़ का कब लगेगा। रेबीज़ का जो वैक्सीन लगती है वो 3rd मंथ की एज पे लगती है। ध्यान रहे जब भी आप अपने पपी को वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे हैं वो एकदम हेल्दी हो, उसे ना किसी प्रकार का फीवर हो। अगर आपका पपी बीमार होता है तो उस समय वैक्सीनेशन ना लगवाएं।